गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग गाइस। सो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ, हिडिम्बा पर्वत। एकदम खतरनाक नाम, एकदम बम जैसा है खतरनाक वाला। सो आज थोड़ा सा स्टोरी में चेंज है, आज कोई भी एमटीवी राइडिंग नहीं हुई, तो हम लोग जा रहे हैं आज हीरो होंडा में। मोटो व्लॉगिंग सोची थी करने की पर हुई नहीं। तो आज हमारे साथ एक और हमारे मस्त एकदम मेरे बड़े भाई के मित्र हैं और योगा टीचर भी हैं जिन्हें योगा सीखना है, आप इनसे कांटेक्ट करें। ये हैं अपने विक्रम भैया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हिडिम्बा पर्वत, मतलब भीमताल की हो रही है वो भी, और बाइक में आज काफ़ी टाइम बाद बाइक में राइड हो रही है। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा व्लॉग में। और अभी तो काफ़ी दूर है भीमताल, फिर वहाँ से कितना दूर है वहाँ सात ताल से जाना है अगर जिसको भी आना है हिडिम्बा पर्वत, तो फिर उसके बाद वहाँ सात ताल जाके उधर से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। मज़ा आएगा आज, देखते हैं कुछ खुराफाती करते हैं आज तूफानी। तो अभी मिलते हैं हम आपसे आगे, चलो। भीमताल से आगे आ गए हैं 5 किलोमीटर आगे दूर, और सात ताल की ओर को जा रहे हैं, और उधर से ही एक रूट और पड़ता है जो हिडिम्बा पर्वत को जाएगा। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो डेफिनेटली आइए। और हमारे विक्रम भैया बाइक दौड़ाते हुए एकदम सही है, और उसकी हिस्ट्री में आपको आगे चल के बताऊंगा, एकदम पहाड़ की ऊंचाइयों में जाके खतरनाक तरीके से। सो गाइज आपको दिख रहा होगा ये नल दमयंती ताल बोलते हैं इसे, और एकदम फ्रेश लेके एकदम पहाड़ों के बीचों बीच खतरनाक तरीके से। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं सात ताल के रूट में ही मिलेगा आपको ये, और इसका रूट है हम लोग यहाँ ले रूट से, इससे पहले एक नीचे को रोड जाती है उधर से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। रहा सात ताल और ये रहा नल दमयंती ताल। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आज हम बचा रहे पेट्रोल सेव करेंगे, हम बंद कर दो बाइक को। ये देखो ऐसे होती है अपनी खतरनाक तरीके वाली पेट्रोल की सेविंग। कनी जी बताओ कुछ, किस विषय में बताना है बताइए, अपने योगा के विषय में बताइए, कैसा आप खतरनाक तरीके से आसन करवाते हैं लोगों को। अभी तो आते जल योगा कराएंगे, अभी पानी में आपको 2 बार डुबकी लगवाएंगे, नहीं भैया हमें कृत्रिम सांस नहीं चाहिए। हे गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सात ताल, और आपको पीछे दिख रहा होगा ये सात ताल है ये आला, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे को। सो आप लोग अगर आना चाहते हो इधर हिडिम्बा पर्वत को, तो ये वाला रूट है, ये ऊपर जाएगा आगे जंगल को। तो अब यहाँ से थोड़ा ऊपर है, कितना 1.5 किलोमीटर अराउंड है, 2 किलोमीटर ट्रैकिंग है। आज ट्रैकिंग का मज़ा लेते हैं और टाइम हम साइकिलिंग करते हैं। रपटने के चांसेस पूरे हैं, रपटने के चांसेस अच्छे हैं यहाँ पे। ये जो याली जो ये घास है, क्या बोलते हैं इसे, पिरोल घास बोलते हैं इसे हम, पहाड़ में पेड़ों से गिरती है, तो इसमें फिसलने के चांसेस हैं। आप आइए थोड़ा ट्रैकिंग वाले शूज़ पहन के आइएगा। बाकी अभी पहाड़ की ओर को जाते हुए ऊंचाइयों में एकदम खतरनाक तरीके से, क्यों खन्नी जी। सो पूरी पूरी है, हमारे विक्रम भैया हैं ये हैं योगा टीचर। अब आप में से कोई योगा या
योगा फिटनेटी से है या फिर आप उसमें अगर कुछ करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इनको कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं इनकी सारी डिटेल दे दूँगा, ठीक है। और बढ़िया है साइकिल चलाना और पहाड़ पे चढ़ना दोनों खतरनाक चीज़ें हैं। ये पीछे आप देखिए लेक, एकदम खतरनाक जंगल वाला फील आ रहा है वे। तो ये रहा गाइस यहाँ का रास्ता, एकदम जंगलों में आया, जंगलों में। बताओ अभी से सांस फूल गई है, तो मजा आता है। 200 मीटर भी नहीं चला है अभी तो 200 मीटर नहीं चढ़ा है। अपने योगा टीचर जी फोटोग्राफी करते हुए, जल्दी फोटोग्राफी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। गौरव है ना, गौरव वो करता है, मेरा कज़न है गौरव, वो करता है। दादी प्रणाम, बता आशीर्वाद, भले ही आशीर्वाद दे ना दे बोलता शब्दों में पूरा आशीर्वाद देता, वो मन से भले ही गालियां दे मन से आशीर्वाद जवान से। यार ये व्लॉगिंग करते हुए हाथ बड़ा दर्द करता है यार, चेंज कर ले दो हाथ के पास। ओ पांव से भी कर सकता है? नहीं पांव से नहीं, इतने टैलेंटेड नहीं हम लोग फिटू नहीं चला बच्चा, नंगड़े नंगड़ी नंगड़ी क्या कहते हैं, नंगड़ी नंगड़ी नंगड़ी। तो गाइस यहां पे रोड बनाने का काम चालू हो रहा है, तो गाइस पहाड़ों में जब भी कोई नया पेड़ लगाते देखो आम का अंदर, और जो बाकी हिली एरिया में इसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है ताकि एक बार जो उसकी फाउंडेशन बन जाएगी अच्छे से फिर इसको हटा देते हैं। तो ये एक तरीके से हाँ, और जानवरों से, और ये या कभी लैंडस्लाइड या फिर ऐसा पानी ज़्यादा हो जाता फ्लो तो उनको ये सेविंग करता है। तो पहाड़ में इस तरीके से प्रोटेक्शन गार्ड लगाए जाते हैं, ये देखो। और अपने गुरुजी पेड़ों के साथ खेलते हुए। सो फाइनली गाइस हम लोग टॉप में पहुंच गए हैं हिडिंबा टेंपल के वहाँ पे, और यहाँ पे एरिया काफ़ी अच्छा है देखो। इस एरिया में आपको ये दिख रहा होगा, तो अभी आगे जा रहे हैं हम लोग टॉप एरिया साइड में, फिर उसके बाद मज़े करते हैं थोड़ा, और तब तक आप तो व्लॉग एंजॉय कर ही रहे होगे। तो ये पूरा आश्रम है गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे इधर साइड पे ये है श्री वन दुर्गा देवी का, वन दुर्गा देवी हिडिंबा टेम्पल है ये। विश्वास श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ भगवान, यहाँ पे मंकी मैजिक काफ़ी है। तो गाइस हम लोग हैं अभी टॉप एरिया पे, पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा क्लाउडी हो रखा है। अभी देखते हैं आगे जाते हैं तो आपको सीन दिखाता हूँ थोड़ा। बाकी अपने विक्रम भैया से पूछते हैं, विक्रम भैया भाई कैसा लग रहा है आपको इधर? हमें बहुत बढ़िया लग रहा, आनंद की अनुभूति हो रही है 1500 मीटर खड़ी ट्रैक करके आए हैं, बहुत प्यारा। आप लोग भी आइए और आनंद लीजिए, लेकिन जंगले भर जाएंगे, थोड़ा वर्कआउट करके आना बिना वर्कआउट क्या होगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा। ट्रैकिंग है थोड़ी सी, और जो घास थी आपने क्या बताया था वो? पिरोल की घास जो है थोड़ा सा फिसलने का डर है, तो ध्यान रखें अगर गीला हो रहा हो तो ना चढ़ने का प्रयास करें, या तो शूज आपकी अच्छी क्वालिटी के हो, गिर गए तो उठाने वाले कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, नीचे जाओगे ताल पे। एक्चुअल में पूरा यहाँ पे सुनसान है, नीचे ही थोड़े होटल वोटल हैं जो खुले हैं, और उसके बाद ऊपर आएंगे तो ये आश्रम में जो लोग हैं वही हैं, बीच में कुछ ऐसा है नहीं, और काफ़ी
सुकून मिल रहा है अभी बैठ रखे हम लोग मजे से। ये अभी इंस्टाग्राम पे हम फोटो डालेंगे। सो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं हिडिंबा टेम्पल, एज यू कैन सी ये। सो ये टेम्पल अभी फ़िलहाल तो बंद है और लॉकडाउन के चलते, और फिलहाल गाइज इसकी जो हिस्ट्री रही है वो है कि महाभारत से रिलेटेड है। जब जो भीम होते हैं उनकी जो वाइफ हैं हिडिंबा, उनके नाम पर ये जो हिल है उसका नाम पड़ा है हिडिंबा पर्वत। और बाद में जो एक और यहाँ पर जिनका आश्रम है, जो वनखंडी महाराज थे, वो एसेटिक थे, उन्होंने यहाँ पर जब पूजा करने के लिए यहाँ पे शेल्टर लिया था उन्होंने, तो उसका इससे एक बहुत बड़ा कनेक्शन है यहाँ पे, और उनका यहाँ आश्रम भी है। सो फिलहाल तो गाइस ये तो एक टूर था हमारा यहाँ पे फ़िलहाल आने का, और एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इधर पे, और आप लोग आ सकते हैं आराम से। अराउंड भीमताल से 5 किलोमीटर दूर है और थोड़ी सी ट्रैकिंग है यहाँ पर, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आप तब तक व्लॉग को एंजॉय कीजिए, और अपने विक्रम भैया से भी पूछते हैं। विक्रम भैया ये भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, तो कैसा लगा आपको इधर एरिया? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। अगर आएँ शांति के हिसाब से थोड़ा रुकें, आश्रम भी है, मंदिर भी बहुत शांत और हाइट पे है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, और हवा पानी काफ़ी बढ़िया और बहुत ही शांत है। अगर आप थोड़ा सा एकांत चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर आके आपको सुकून मिलेगा वो अलग लेवल का मिलेगा, मतलब खतरनाक एकदम। चलो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो अब हम नीचे की तरफ निकलते हैं, और अपने विक्रम भैया लगे हैं फ़ोन में। हेलो फ्रेंड्स, फ़ोन देख लो। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं, अगर मैं आगे रहा तो हम दोनों निपट जाएंगे, अगर आप आगे रहे तो मैं बच सकता हूँ। हाँ अब आप ये बताओ पहले, अब आप साइकिल कब लेने वाले हो? साइकिल में आएंगे एक दिन यहाँ एमटीबी से। साइकिल देखते हैं जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, जिन लोगों ने साइकिल ले रखी है जो वो बेचेंगे तब हम उनसे ले लेंगे, इस वक्त नई साइकिल लेना। ओ भाई लग रहा है ये तो बहुत बुरा, आराम से साइकिल की स्टेशन लेना पड़ेगा। पता चला है गुलाटी मारते हुए सीधे नीचे, मसूर गुलाटी आओ। तो अब नेक्स्ट वाली राइड में गाइस हम लोग एमटीबी से भी आएंगे इधर सात ताल की तरफ, प्लान बना रखा है। अभी देखते हैं, अभी दो तीन ताल और बचे हुए हैं, उसके बाद आपको अलग अलग जगह पे उसके लैंडस्केप हो गया, सिनेमैटिक हो गया, उनकी हिस्ट्री होगी, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। फ़िलहाल तो आज हमारा राइडिंग का प्लान था पर वो कैंसिल हो गया, थोड़े अपने राइडर अभी रेस्ट कर रहे हैं, और थोड़ा सा काम भी है सभी को, तो कोई फ्री नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा आज विक्रम भैया को पकड़ते हैं। काफ़ी टाइम से इनके साथ भी घूमने का प्लान हो रहा था पर सिर्फ संडे को ही टाइम मिलता है गाइस, क्या करें। अभी देखते हैं आने वाली राइड पे हम जाएंगे बाकी जनों के साथ, और अगर आप लोग हमारे राइडिंग क्लब से जुड़ना चाहते हो तो सारी मैं लिंक आपको दे दूंगा, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप वहां से हमें कांटेक्ट करना। इसके बाद हम राइड कंटिन्यू करेंगे उधर से फ़िलहाल तो, और कभी कभी आने वाले टाइम पर मोटो ब्लॉगिंग हो गया, नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग आपको मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये व्लॉग में मज़ा आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा इसकी हिस्ट्री क्या थी। सो आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग आए भी होंगे यहाँ, और इधर पे नेचर में आने का मज़ा ही कुछ और है। इधर पे क्या प्लान करना है, आगे कहीं चलना है? हाल में चलते हैं, थोड़ा हाथ में धोते नहाते। नहीं यार नहाना वाना नहीं होगा,
अभी तो फिलहाल एकदम डाउन हो गए हैं। रही लेक बड़ी बड़ी। सो गाइज, हम लोग हैं लेक के अराउंड और आपको ये ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा। और चलिए फिर, आप लोग इसी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें। ओके गाइज, टाटा बाय बाय।